हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू शेप, अर्थात फाइल के प्रकार आकृति के अनुसार। दोस्तों, विगत वीडियो में हमने फाइल के बारे में विस्तार से पढ़ा है। यदि आपने विगत वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसे जाकर देख लीजिए। उसमें फाइल के मटेरियल, उसकी एक्यूरेसी, कितने धातु हटा सकते हैं, इस प्रकार से उसके साइज और पूरे पार्ट्स के डिटेल्स दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, आकृति के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में भी एक फाइल है, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, जो फाइल मैंने यहाँ बनाया सेम फाइल मेरा हाथ में भी है। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार फाइल नंबर एक, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या है? दोस्तों, फ्लैट फाइल एक साधारण फाइल है। इस फाइल का पहचान ये है कि इसके जो पूरी लंबाई है, लंबाई से आप पहचानेंगे कैसे, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक के मतलब दो तिहाई भाग समानांतर होंगे। यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ 30 मिलीमीटर है, तो यहाँ तक के आपको पूरे 30 मिलीमीटर चौड़ाई में मिलेंगे, और आगे जाके ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए इसे बोला जाता है कि इसके दो तिहाई भाग जो है वो समानांतर होता है और एक तिहाई जो है वो टेपर में होता है। दोस्तों, टेपर में होने से फ़ायदा ये है, अधिकतर फाइल आप इस प्रकार से टेपर देख पाते हैं, क्योंकि जब टेपर में होता है तो यदि आप चाहें तो इस फाइल के डाया या चौड़ाई के अनुसार भी, कम डाया के होल में भी आप इससे फाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए कि सामने चौड़ाई कम होने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फाइल हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है। इसके पहचान के तौर पर इसे जब आप देखेंगे तो इसके दोनों फेस पर डबल कट दाते होता है। डबल कट मतलब ये आप क्रॉस में ऐसे देख पा रहे ऐसे ही होगा, और इसके दोनों एज पर सिंगल कट दाते होता है। आम तौर पर इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है वर्कशॉपों में, जैसे ITA हो गया या कोई भी वर्कशॉप होता है रफ फिनिशिंग के लिए या मल्टीपर्पज़ के लिए, इस प्रकार के फाइल का प्रयोग अधिकतर करते हैं। तो एक नंबर था, ये चित्र भी इसी का बना हुआ है फ्लैट फाइल का। यदि आप चाहते हैं कि और इसे एक चित्र के माध्यम से देखें तो चलिए देख लीजिए, ये है फ्लैट फाइल। दोस्तों, अब हम देखेंगे नंबर दो, जिसका नाम है हाफ राउंड फाइल। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हाफ राउंड मतलब होता है आधा गुलाई में या अर्ध चंद्र आकार, जैसे हाफ मून। इसका एक फेस फ्लैट होते हैं जैसे फ्लैट होगा, और दूसरा जो फेस होगा इसका ये अर्ध चंद्र आकार हाफ राउंड में होगा। अब बात करते हैं इसकी पहचान, तो आपने देख लिया इसमें दाँते किस प्रकार से होता है। दोस्तों, इसके फ्लैट में डबल कट दाँते होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और उसके जो फेस होते हैं दूसरा जो उत्तल वाला कॉन्वेक्स वाला, उसमें सिंगल कट दाँते कटे होते हैं। अब आता है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। दोस्तों, इसका यूज आम तौर पर मल्टीपर्पज़ यूज के लिए कर सकते हैं, जैसे कोई कॉनकेव फेस बनाना है, मतलब कि आपको किसी गुलाई में या होल के अंदर डाया बढ़ाना है, उसमें फिनिशिंग करनी है, तब इसका यूज कर सकते हैं। या इसके जो फ्लैट सरफेस है उससे आप जो आपके समतल भी कर सकते हैं या सतह को बना सकते हैं। दोस्तों, अब आती है कि क्या ये भी समानांतर होता है? नहीं, इसका भी दो तिहाई भाग जो है वो समानांतर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, बाकी एक तिहाई इस प्रकार से टेपर में होता है। कारण वही है कि डाया यदि छोटा भी हो, कम डाया का भी हो, तो उसे बड़ा किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर तीन का, जिसका नाम है स्क्वायर फाइल। दोस्तों, स्क्वायर फाइल जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि स्क्वायर मतलब चतुर्भुज आकार, इसका क्रॉस सेक्शन चतुर्भुज आकार का होगा। दोस्तों, इसके जो चारों फेस होते हैं वो 90 डिग्री में बना होता है, और इसका प्रयोग भी किसी स्लॉट, स्क्वायर स्लॉट, रेक्टेंगल स्लॉट अर्थात आयताकार स्लॉट के चौड़ाई को बढ़ाने के लिए या उसके अंदर तरह तरह के फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बात करते हैं कि इसके फेस पर कैसे दाँते कटे होते हैं। तो दोस्तों, इसके फेस पर भी डबल कट दाँते कटे होते हैं चारों फेस पर, और इसका भी आकृति कुछ इसी प्रकार से होते हैं, जैसे इसकी पूरी लंबाई में दो तिहाई भाग तो समानांतर होगा लेकिन एक तिहाई भाग जो है वो
पेपर में होता है, ठीक है। चित्र से एक बार इसे भी देख लीजिए कि ये किस प्रकार से होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला फाइल जो है वो है ट्रायंगुलर फाइल। दोस्तों ट्रायंगुलर फाइल मतलब, जैसे कि अब नाम से ट्रायंगुलर समझ रहे हैं कि त्रिभुज आकार का क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो त्रिभुज आकार के होता है और इसकी तीनों फेस पर डबल कट दांते होते हैं। इसके तीनों जो फेस जैसे मिलते हैं, आप जैसे त्रिभुज को बनाते हैं तो उसके तीनों त्रिभुज के कोण जो होता है वो 60 डिग्री में होता है, 60 डिग्री में। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी त्रिभुज आकार के ग्रुप या किसी स्लॉट के फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, परंतु ध्यान रहे कि यहाँ पर 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ग्रुप या स्लॉट होना चाहिए, उससे कम में ये उपयुक्त नहीं होता है। ये भी दो भाग समांतर में और पूरी लंबाई के एक तिहाई जो है वो टेपर में होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हैंड फाइल के। जैसे कि नाम से क्लियर है कि हैंड फाइल, लेकिन इसकी थोड़ा विशेषता है। दोस्तों अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइल है इसकी पूरे जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक समानांतर होता है, ये इसका सबसे बड़े खासियत है, पहचान है। इस फाइल को यदि आप देखेंगे तो इसके एक एज पर दांते कटे होते हैं सिंगल, और दूसरे वाले जो फेस है वो सेव होता है, इसीलिए इसे सेव एज फाइल कहते हैं। इसका प्रयोग जब लेथ मशीन में स्टेप टर्निंग करते हैं या किसी स्क्वायर में एक संलग्न भुजा को बचाना होता है, मतलब कैसे समझेंगे आप कि किसी स्टेप है और स्टेप में सिर्फ डाया को कम करना है लेकिन उसके जो एक साइड है उसे बचाना है, तब आप सेव एज फाइल का प्रयोग करेंगे। या आप किसी स्क्वायर स्लॉट में फिटिंग जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो डॉप्टल फिटिंग हो सकता है, वो स्क्वायर फिटिंग हो सकता है, तब आपको जब संलग्न भुजा बचाना होता है एक साइड के भुजा, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार इसका प्रयोग किए होंगे, खास करके एग्ज़ाम में जब पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि लेथ मशीन में एक शेप बचाने के लिए या एक फेस को बचाने के लिए कौन सा फाइल का प्रयोग करते हैं, तब आपको बताना है सेफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त हम यूज करेंगे नेक्स्ट फाइल जिसका नाम है नाइप एज फाइल। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे नाइप एज, नाइप मतलब चाकू होता है और उसके एज मतलब धार के तरह। दोस्तों इस प्रकार के फाइल का एज चाकू के जैसे होता है। यदि आप चाकू देखेंगे तो ऊपर से कुछ मोटाई में होता है और नीचे जाके पतले हो जाते हैं। दोस्तों जब 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के किसी वी ग्रुप में फाइलिंग करनी हो या उसके शार्प एज बनानी हो, ग्रुप बनानी हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका एंगल जो होता है वो 10 डिग्री में होता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त कुछ फाइल होते हैं जो स्पेशल फाइल के अंतर्गत आते हैं, जो कि जैसे वर्डिंग फाइल हो गया, उसके बाद बैरेट फाइल, पिलर फाइल, जो कि हम स्पेशल फाइल में पढ़ेंगे और उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, मैं बहुत जल्द उसे भी रिलीज करूँगा। तो दोस्तों ये था हमारा फाइल का एक वीडियो, छोटा सा एक वीडियो अकॉर्डिंग टू शेप के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल में हैं, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जुड़े रहिए हमारे साथ समृद्धि टेक्निकल में।